हेलो, वेलकम टू द दिस ब्लॉग। सो आज ये दूसरा ब्लॉग, और ये ब्लॉग मैं जैसा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा थंबनेल में कि वेरिफिकेशन कोड एडसेंस वेरिफिकेशन कोड कैसे आया मेरे पास। तो ये है एडसेंस का वेरिफिकेशन कोड। मतलब इतने कम व्यूज़ हैं मेरे और ना ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इतने नहीं है सब्सक्राइबर माना कि, और मेरे को वेरिफिकेशन कोड मिल गया। कैसे मिलता है जैसे आप सबों को जानना होगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा एडसेंस अकाउंट का ही वेरिफिकेशन कोड है जो मेरे पास आया था। और लेकिन जो ये एडसेंस का वेरिफिकेशन कोड है, मतलब बहुत घूम घाम के आया। मैंने एड्रेस बंदा बोल रहा जो देने आया वगैरह, भाई साहब आपने कौन सा एड्रेस दे दिया, एड्रेस तो ये था ही नहीं है। मतलब बहुत दिक्कत हुई इसके लिए लाने के लिए। मिनिमम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये आ जाता है किसी भी। अगर आप टीयर 1 टीयर 2 में रहते हो तो जल्दी आ जाता है, टीयर 3 में थोड़ा दिक्कत आता है क्योंकि और कहते हैं US से आता है, ऐसा कुछ नहीं US से नहीं आता है। यहाँ पर ग्वालियर का जो अपना हेडक्वार्टर रहता है, दिल्ली हो गया, मुंबई होता है, यहाँ पर हेडक्वार्टर रहता है, तो इस पर्पज़ से यहीं से आता है, और यहीं से डिस्पैच यहीं से होता है, यहीं से आता है ये चीज़। और ऐसा कुछ नहीं है कि US से आता है कि कनाडा से आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अब US कनाडा से अगर भेजने लगे तो फिर तो हो गया काम। इसलिए हाँ, ये है कि वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वहाँ से यहाँ डाइवर्ट की जाती है इंफॉर्मेशन, और फिर यहाँ से जो उनके एम्प्लॉय वगैरह जो वर्क कर रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, फिर वो यहाँ से जो भी है आगे की प्रोसेस वो यहाँ पर करते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम पहले आ गया था, ठीक है। इसके अंदर आपको बता देता हूँ, ये है पिन, ठीक है। तो गूगल का एडसेंस अकाउंट, और मेन सबसे आपको मैं मेन बताऊँ तो ये मेरे ही चैनल मतलब एडसेंस का ही पिन है, लेकिन ये मेरे इस चैनल का पिन नहीं, ये मेरे दूसरे चैनल का पिन है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा इस चैनल का पिन है। हाँ, $10 होते हैं, $10 नहीं, मिनिमम मेरे तो उसमें $5 अराउंड हुए थे, सो ही मेरे वेरिफिकेशन कोड जनरेट हो गया था ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक घर पर आ गया था। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप $10 करने पड़ेंगे, $6-7 के आसपास होते हैं उसी, वो जनरेट हो जाता है अपना, ठीक है। और आप बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैं क्या कह रहा था कि ये मेरे दूसरे अकाउंट का ही वेरिफिकेशन कोड है, तो आप ये ना समझे कि मेरा इसका कोड है। सो मेहनत करते हैं जल्दी आ जाता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है $10 का। लेकिन उसमें जब मेरा ये वेरिफिकेशन कोड आया था तो उस टाइम के जो एडसेंस की पॉलिसी थी वो कुछ चेंज थी, उसमें 10,000 व्यूज़ का अराउंड लाना पड़ता था, लेकिन अब तो 4,000 आवर और 1,000 सब्सक्राइबर का उन्हें क्राइटेरिया कर दिया है। सो अब तो टाइम लगता है, पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कम से कम 6 से 7 महीने आराम से जाते हैं आपके, मेहनत करनी पड़ती है आपको, और ये काम हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये आ गया था, तो जिस दिन आया था काफ़ी खुशी हुई थी कि चलो वेरिफिकेशन पिन आ गया। जो वो वेरिफिकेशन पिन देने जो बंदा आया था वो काफ़ी गुस्सा कर रहा था मेरे को कि यार सर आप क्या एड्रेस डालते हो, एड्रेस अपने काका एड्रेस डाला था और कहाँ पर आपका घर है, आप कुछ प्लीज़ ढंग से डालिया करें आप, ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है, मैंने हो गया तो हो गया। हालांकि उसको कुछ नॉलेज नहीं था एड्रेस का, तो वही गलत एड्रेस पर गया था, मेरा कोई गलती नहीं थी। बाद में कहता है नहीं नहीं गलती मेरी थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में एक बढ़िया ब्लॉग होगा, एक विजिट ब्लॉग होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो बंद करने से पहले, मतलब वीडियो क्लोज करने से पहले लाइक कर दो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे पहले भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि कोई दूसरा वीडियो डालूँ तो आपको पता पड़ जाए। सिंपल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, सब्सक्राइब का टिक करने का कौन सा पैसा लगता है, फ्री रहता है ना, तो कर दो, क्या जा रहा है यार। एक वीडियो मेरा आया तो गरीब का वीडियो देख लेना, क्या दिक्कत है यार। एक यूट्यूबर गरीब यूट्यूबर का वीडियो देख लोगे तो क्या चला जाएगा, सब्सक्राइब मार दो यार, आ जाए करेगा तो देख लेना गरीब का, और बाकी आपकी मन आपकी इच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड सी यू, गुड जो भी होता है सब कुछ, गुड 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 बाय।